अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासर अरकम, एसोसिएट बैरियर डाउन कराची से। इस वक्त तो बहुत सारे कस्टमर के फ़ोन आते हैं कि हम बैरियर के अंदर किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, जबकि मार्केट स्लो है, मार्केट गिरी हुई है, तो हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुल्की हालात आपके सामने हैं, तो मैं जो हमेशा अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर को रिकमेंड करता हूँ वो है कमर्शियल। और कमर्शियल में भी जो मेन बैरियर ने कमर्शियल दिया है, जिस तरह मिड वे ए है, मिड बी है, तो वहाँ पर जो है ना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्लाट, रेजिडेंशियल प्लाट है वो बढ़ेगा तो वो लाखों रुपए में 10 लाख बढ़ जाएगा, 15 लाख बढ़ जाएगा, जब मार्केट होगी 20 लाख बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो पर स्क्वेयर फिट अगर 5,000 भी बढ़ेगा, तो अगर 700 स्क्वेयर फिट है तो फिर देख ले 35 लाख वो आपका ऑफिस, आपकी शॉप जो है वो उस पर प्राइस जो है बढ़ जाएगी। इसी तरह आप घर खरीदते हैं, विला लेते हैं, विलास की कीमत मिसाल के तौर पे आप फोर्ट सिटी की ले लें, तो वहाँ पर विला जो है इस वक्त 215-220 में आसानी के साथ मिल जाता है। वहाँ पर आप विला परचेज़ करते हैं तो रेंट कितना आ रहा है, 30 से 35 हज़ार। वही 2 करोड़ रुपए आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉप लेते हैं, तो रेंट कितना आएगा, 1 से 1.5 लाख रुपए। तो इसलिए हमेशा जो मेरी, मैं तरजीह देता हूँ, अपने कस्टमर को बताता हूँ, कमेंड करता हूँ हमेशा, वो है कमर्शियल। बहरिया टाउन के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश करें कि कमर्शियल के अंदर करें।